बोले मैम? लोकतंत्र में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और हरियाणा के लोकतंत्र में भी आज हम अपने विधानसभा के लिए वोट डाल रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब है कि लोग अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें, और मैं तो यही अपील करूंगी कि सब लोग आएं और अपना वोट डालें और हरियाणा में अपने भविष्य को तय करें। यहां पर मैं कन्वेंसिंग नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं जिस पार्टी से हूं वो हूं और सब जानते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने हरियाणा को एक नई दिशा दें और आज उसकी शुरुआत यहां से करें। मैंने अपने मत का इस्तेमाल किया, मैंने वोट डाला, मैंने दोबारा तिबारा कुछ नहीं होता इसमें, एक बार दो बार तीन बार कुछ नहीं होता है, ये हमारा पार्टी का मामला होता है और हाई कमांड जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हाई कमांड तय करेगा। हमारी सीएलपी की मीटिंग होगी और उसके बाद हाई कमांड। नायब सैनी ने वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बाकी चीजें एक साइड रखते, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन स्टेट भी होता है, आप मानेंगे इस बात को कि लीडर भी एक चेहरा होता है जब आदमी वोट करने जाता है तो। ऐसा है, लोगों का मत सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है, और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा तो उसके बाद पार्टी तय करती है कि कौन, इनके पास मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम जैसे कांग्रेस पार्टी आज के दिन विपक्ष में है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दो राय रही नहीं, अब कोई बात बची नहीं है, जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार अब कांग्रेस की बनेगी। खट्टर साहब ने कहा है कि हुड्डा और शैलजा में तनाव है, इसी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा और शैलजा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, कोई आगे आना चाहे। हाँ, ये कई बार कह चुके हैं, वो अपने दरवाजे अपने लिए रखें, पहले अपना घर संभाल लें, क्योंकि उनके यहाँ 10 साल जो आपस में परस्पर विरोध रहा, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, तो भाजपा तो कुछ किस मुंह से बोलेंगे, जो हरियाणा का हाल हो गया है, तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं, अपने घर में हम सब मजबूत। चुनाव से एक दिन पहले जो कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुआ, कोई कांग्रेस इससे कोई घटनाक्रम कौन सा चेंज होता है, आवागमन चलता है पार्टी। महिला अगर बराबर की मतदाता है तो फिर महिला मुख्यमंत्री सूबे में होने में क्या परेशानी है? देखो, परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमांड का फैसला होता है, परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमांड करेगा। मैं हाँ जी, शामिल करा के कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा? अब देखो, शामिल किया गया, वो आए पार्टी में, आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। I don't think I need to talk about my seniority. So it's all evident, everybody knows at what stage I stand. हाँ जी, हरियाणा में कैसे लग रहा है? हरियाणा में बहुत, देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। मैम, परसों आप सोनिया गांधी जी से मिले राजनीति? चलो वो अलग बात है। 20 सालों में तो सबकी बारी आती है, तो आपकी बारी आने में क्या परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं है, पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है, ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है, ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं, भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है, लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोलती हैं, लेकिन सीट बता दीजिए कि कितनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप हरियाणा में? हम हाँ, मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं,
स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार को लेकर क्या कहना, क्योंकि मैंने जितने लोगों से यहाँ बात की सब जो है सीवर और वाटर लॉगिंग और मेरे घर के बाहर भी